लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर अखरी बाईपास चौराहा वाराणसी। वाराणसी में सोमवार को कोरोना के 26 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई है। सोमवार को होम आइसोलेशन से 87 मरीजों को छुट्टी मिली, जबकि अस्पताल से 12 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। अब तक 81,977 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 80,768 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 469 है। बड़ागांव थाना क्षेत्र की गोसाईपुर में बीती रात नाइट कर्फ्यू के दौरान बहुभोज के आयोजन में चल रहे ऑर्केस्ट्रा में नाच रही डांसर से छेड़खानी के बाद जमकर मारपीट हुई, जिसमें 8 लोग घायल हुए हैं। डांसर 2022 में अखिलेश आएंगे पर थिरक रही थी। फिलहाल किसी पक्ष ने थाने में तहरीर नहीं दी, तो वहीं पुलिस भी इस मामले से अनभिज्ञता जता रही है। महानगर कमिश्नरेट पुलिस के जाबाज एसआई मिथिलेश यादव ने एक बार फिर अपने कार्य से आम जनमानस का दिल जीत लिया है। फेसबुक पर ब्लड डोनेशन के लिए काम करने वाली संस्था साधना फाउंडेशन के सचिव की एक पोस्ट पर मिथिलेश यादव ने तत्परता दिखाते हुए बीएचयू ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर रक्तदान किया। इस सेवा कार्य की पुलिस महकमे में और शहर बनारस में जमकर प्रशंसा हो रही है। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेवा सत्याग्रह कार्यक्रम शुरू किया है। प्रियंका गांधी ने कोरोना से लड़ने के लिए वाराणसी के लिए 10,000 कोरोना किट भेजी है। यह दवाई कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा चिकित्सकीय परामर्श पर दी जाएगी। साथ ही ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर मशीन भी वाराणसी की जनता को जरूरत के हिसाब से प्रदान किया जाएगा। जिला व शहर दोनों जगहों पर ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर मशीन उपलब्ध है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों ने सोमवार को योग गुरु बाबा रामदेव का पुतला फूंका। छात्र बाबा रामदेव के ज्योतिष विद्या पर दिए गए बयान से आक्रोशित हैं। धरना प्रदर्शन छात्र संघ अध्यक्ष कृष्ण मोहन शुक्ल के नेतृत्व में हुआ। पुतला फूंकने के बाद छात्र संघ अध्यक्ष कृष्ण मोहन शुक्ल ने कहा कि बाबा रामदेव पहले भी वेद और शास्त्रों के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर चुके हैं। छात्र उनके इस कृत को कभी माफ नहीं कर सकते। छात्र संघ अध्यक्ष ने बाबा रामदेव को चैलेंज दिया है कि या तो वो हम सभी छात्रों से शास्त्र करें, अन्यथा समस्त संस्कृत जगत से माफी मांगे। पड़ाव से सैयद राजा तक जीटी रोड व हाईवे किनारे अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने लगभग 500 अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेज दी है। उन्हें सड़क किनारे बनाए गए पक्के मकान, चबूतरा, गुमटी, टीन शेड, झुग्गी झोपड़ी आदि हटाने का निर्देश दिया गया है। भवन स्वामियों ने यदि खुद अतिक्रमण नहीं हटाया तो विभाग ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। इसका हर्जाना भवन स्वामी से वसूला जाएगा। त्रिसत्रीय पंचायत निर्वाचन 2021 के अंतर्गत रिक्त स्थानों पदों के निर्वाचन के लिए मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण उदय प्रताप इंटर कॉलेज एवं रानी मुरार बालिका इंटर कॉलेज में कुल 1,000 मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण प्रथम पाली में कराया गया। प्रशिक्षण में कुल 30 मतदान कार्मिक अनुपस्थित रहे। प्रशिक्षण मुख्य विकास अधिकारी मधुसूदन हुलगी द्वारा निर्देशित किया गया कि 8 जून को विकास भवन में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कराएं, अन्यथा संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन सम्पन्न हुआ, जिसमें वर्चुअल माध्यम से लखनऊ से कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, कृषि, सिंचाई, विद्युत, नहर, ट्यूबवेल आदि के उच्च अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। गोष्ठी में कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि वाराणसी में एग्री प्रोडक्ट के निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है और गत 2-3 वर्षों में यही एयरपोर्ट से सब्जी, फल, शारजा व विभिन्न खाड़ी देशों में भेजे गए। एयरपोर्ट पर ही कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की गई है। राजा तालाब खरखियाओं में पैक हाउस बनाए जा रहे हैं। 8 एफपीओ को निर्यात का लाइसेंस दिया गया है, जो सीधे बनारस एयरपोर्ट से अन्य देशों को निर्यात कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में 600 से नीचे कोरोना संक्रमित केस वाले जिले अनलॉक किए जा रहे हैं। इसी की ओर पूरे देश में कोरोना से लड़ाई में एक मॉडल बनकर उभरा वाराणसी भी बढ़ चला है। लेकिन इस खबर से उन व्यापारियों को ज्यादा खुश होने की इसलिए जरूरत नहीं है जिन्होंने अभी तक कोरोना वैक्सीन की पहली डोज तक नहीं ली है। ऐसे व्यापारियों को वाराणसी के अनलॉक में अपनी दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा राज्य सरकारी कर्मचारियों को जून की सैलरी तभी जारी करने के लिए कहा गया है कि जब
कम से कम उनको एक डोज लग गई हो, क्योंकि देखा गया है कि मौत होने पर यह रोष जाहिर करते हैं और प्रिवेंटिव एक्शन के समय अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। 15 दिन के बाद हम लोग देखेंगे कि वास्तव में जिनका वैक्सीनेशन पूरा हो गया हो, जिसमें व्यापारी वर्ग भी शामिल है, उन पे काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं वो भी शामिल हैं, जो वैक्सीनेट हो चुके हों तभी हम लोग उनके प्रतिष्ठान खुलवाएंगे, अन्यथा जब तक वो वैक्सीनेट नहीं होते हैं तब तक उनको सलाह दी जाएगी कि वो बंद ही रखें, क्योंकि किसी की भी मृत्यु होती है तो फिर वो व्यवस्था को दोष देते हैं, और जब सरकार आगे बढ़ के वैक्सीनेशन करवा रही है उसका लाभ नहीं उठाते हैं, तो इसी को लागू करने के लिए ये 15 दिन की व्यवस्था वाराणसी में की गई है। आज सभी व्यापार मंडलों को जागरूक भी किया जा रहा है, उनको ऑप्शन भी दिया जा रहा है कि स्थान का चयन वे स्वयं कर लें, बाकायदा स्वास्थ्य विभाग की टीम जाके उनके चयन किए हुए स्थान पर जाके वैक्सीनेशन करवा देगी, जो भी इसके लिए करना चाहें वो तत्काल स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर लें, अगले दिन से ही वहीं वर्क साइट पे ही उनका वैक्सीनेशन प्रारंभ करवा दिया जाएगा। तो इतनी सुविधा सब व्यापारियों को दी जा रही है, सबको समझाया जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि सारे लोग इस मुहिम में साथ देंगे और वाराणसी को एक सेफ जगह बनवाएंगे। करीब 3 महीने बाद बाजार खुलते ही वाराणसी के बाजारों में रौनक देखने को मिली, साथ ही व्यापारियों ने प्रशासन के प्रति आभार भी जताया। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर के चलते अप्रैल माह से आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद थी, वहीं आज दुकानें खुलते ही बाजार में रौनक देखने को मिली और साथ ही दुकानों में बैठे व्यापारियों की खुशी भी देखने को मिली। वहीं कुछ दुकानदारों ने लगाए गए नियमों पर अपनी भड़ास भी निकाली है।